बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं शाही पनीर। ये डाइट रेसिपी है जो डाइट करने वाले हैं उनके लिए परफेक्ट है। आइए बनाना शुरू करते हैं। पहले हम दो बादाम, दो काजू और दो टमाटरों को पीसकर पेस्ट बना लेंगे। इस तरह से हमने पेस्ट बना लिया है। पैन लेंगे चूल्हे पे, उसमें एक चाय का चम्मच ज़ीरा डालेंगे, तीन लाल मिर्च डालेंगे सूखी हुई, दो इलायची डालेंगे, दो दालचीनी के पीस डालेंगे, तीन लौंग डालेंगे, चार काली मिर्च डालेंगे। इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे, स्मेल आने तक अच्छे से भून लेंगे। ये मसाले भून चुके हैं, अब हम इसे पीसकर पाउडर बना लेंगे। इसको पीस कर पाउडर बनाकर एक साइड में रखेंगे। अब एक कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल लेंगे, डेढ़ चाय का चम्मच डालेंगे तेल, एक तेज पत्ता डालेंगे, आधा चाय का चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट डालकर अच्छे से हिला लेंगे। दो चुटकी जितना हल्दी डालेंगे, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च डालेंगे, एक चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, एक चम्मच ज़ीरा पाउडर डालेंगे। इन सब मसालों को भून लेंगे। इसमें टमाटे का पेस्ट डाल देंगे जो हमने पीसा था। अच्छे से भुनेंगे इन सब मसालों को। इसमें हम ये पीसे हुए मसाले भी डाल देंगे। अच्छे से भुनेंगे। आधा चाय का चम्मच पिंक सॉल्ट डालेंगे। अब हम इसमें पनीर डालेंगे। हमने 150 ग्राम पनीर लिया है, इसके छोटे छोटे पीस बना लिए हैं। इसमें हम एक चाय का चम्मच मलाई डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को स्लो पर रखेंगे, एक चम्मच पानी डालकर इसे दम पर रख देंगे। फाइव मिनट स्लो पर रखने के बाद में अब हम इसे निकालेंगे। ये हमारा शाही पनीर बनकर तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा कोथमीर डालकर गार्निश करेंगे। आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें।